हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान की, क्योंकि आज है हमारा संविधान दिवस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। अगर संविधान की बात करें तो संविधान होता क्या है? तो संविधान किसी भी देश का एक ऐसा नियम होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। अब बात यह है कि आखिर संविधान जो है वो कहां पर होता है, किन देशों का संविधान होता है? तो देखिए, संविधान बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं, संविधान होता है जो कि उस देश का लिखित नियम कानून होता है। तो ये तो कहीं भी हो सकता है, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे तानाशाही हो, चाहे लोकतंत्र हो। संविधान तो हर जगह हो सकता है, लेकिन एक ऐसा तत्व होता है संविधान में जो कि उसे राजतंत्र और तानाशाही संविधान से अलग करता है, और वो तत्व होता है संविधानवाद। जी हाँ, संविधान हो सकता है हर देश में हो, लेकिन संविधानवाद हर जगह नहीं होता। आइए समझते हैं कि संविधानवाद अर्थात कंस्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, इस विषय में थोड़ी बात करते हैं। तो देखिए, संविधान जैसे आपने जाना कि भाई संविधान एक लिखित नियम कानून है, एक किताब है जिसमें सब कुछ लिखा गया है। लेकिन संविधानवाद, इसको समझना आवश्यक है कि ये लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि संविधानवाद का अर्थ ये होता है कि राज्य की जो सत्ता है उस पर नियंत्रण स्थापित करना। जी हाँ, राज की सत्ता निरंकुश ना हो जाए, इसलिए वहां पर संविधानवाद की अवधारणा व्यक्त की जाती है। अब सत्ता है वो हर समय कोशिश करेगी कि लोगों को सप्रेस किया जाए, दबाया जाए, उन्हें कुचला जाए, क्योंकि सत्ता हमेशा निरंकुश होने का प्रयास करती है। इस वजह से संविधानवाद का होना आवश्यक है। तो संविधानवाद क्या हुआ? संविधानवाद संविधान का वह तत्व होता है जो राज्य की निरंकुश शक्तियों पर नियंत्रण करता है। इसलिए आप देखेंगे हर लोकतांत्रिक देश में संविधानवाद होता है, जबकि अगर राजतंत्र और तानाशाही है तो वहां पे संविधानवाद जो है वह दिखाई नहीं देता। जैसे कि चीन की बात करते हैं, चीन में क्या है, वहां पर संविधान तो है, उसके वजह से वो चलते हैं, लेकिन वहां संविधानवाद नहीं है क्योंकि वहां पर राज्य अर्थात सरकार पर नियंत्रण नहीं है। लेकिन भारत में संविधानवाद प्रमुखता से उपलब्ध रहता है क्योंकि यहां पर जनता का शासन अर्थात सत्ता पर नियंत्रण होता है। भारत की सरकार भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। आइए बात करते हैं संविधान के कुछ ऐसे प्रमुख एस्पेक्ट की जिसके विषय में आप लोगों को जानना चाहिए। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि जब भारत के संविधान की बात की जाती है तो हम ये जानते हैं कि संविधान का जो अवधारणा है वो बहुत पहले से हुआ। एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात यहां करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरे विश्व का एक ऐसा घटनाक्रम है जिसने विश्व के इतिहास को ही परिवर्तित कर दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे एक विद्वान हुआ करते थे, उनका नाम था मोंटेस्क। मोंटेस्क ने अवधारणा दी कि जो सरकार होती है, सरकार के तीन तंत्र होते हैं। वो तीन तंत्र कौन से होते हैं? पहला होता है लेजिस्लेचर अर्थात विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है न्यायपालिका अर्थात जुडिशरी। तो सरकार को इन तीन भागों में विभक्त कर देना चाहिए और ये तीनों भाग आपस में स्वतंत्र होने चाहिए। ये एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करें, एक दूसरे को देखें, लेकिन अपने आप में सर्वोच्च नहीं हो। इस बात को अमेरिका ने समझा और उन्होंने अपने संविधान में इस बात को लिखा, और आप देखेंगे संविधान में यह तीनों जो तत्व होते हैं वो आपस में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर निगाह भी रखते हैं कि वह निरंकुश ना होने पाए। अमेरिका ने एक नया सिद्धांत दिया, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी अर्थात न्यायपालिका का स्वतंत्र होना। कार्यपालिका और विधायिका के लोग न्यायपालिका का भाग नहीं हो सकते। भारत में भी इस अवधारणा को स्वीकार किया गया। जब 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आता है तो उसका दो एस्पेक्ट रहता है। पहला एस्पेक्ट यह रहता है कि भारत में वह संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन करे, और दूसरा संविधान सभा के माध्यम से एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। तो यह दो काम थे कैबिनेट मिशन प्लान के, और इन दोनों कामों को सही तरीके से वहां पर किया गया। भारत में अंतरिम सरकार बनी जिसके पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, और वहीं पर संविधान सभा भी इलेक्ट होकर आती है। यह बात अलग है कि वह अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आती है। संविधान सभा बैठती है और हर बातों पर डिस्कस करती है। उसी दौर में क्या होता है कि बी आर अंबेडकर जो है
वह संविधान सभा में आते हैं और उनको संविधान लिखने के लिए मनाया जाता है और वह संविधान सभा में संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं अपने बच्चों को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं समझाता हूं कि B.R. अंबेडकर के संविधान लिखने का सबसे बड़ा महत्व जो है वह आर्टिकल 17 है। B.R. अंबेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 32 अर्थात राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये एक ऐसा सिद्धांत है जो कि हमारे संविधान की आत्मा है, हमारे संविधान का हृदय है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, पर्सनली मेरा मानना है कि अगर B.R. अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा होता तो आर्टिकल 17 आज के समय में हमारा मूल अधिकार नहीं होता। आर्टिकल 17 जानते हैं क्या है? आर्टिकल 17 है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी अर्थात अस्पृश्यता का अंत। एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है और ये B.R. अंबेडकर जैसे व्यक्ति ही उस चीज को लिख सकते थे। तो भारत की एक समस्या है, भारत यह मानता नहीं है कि उसने अपने देश में पुरातन समय में जाति पर आधारित जो समाज की संरचना उसने की थी उसमें इतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिली थी। कुछ ऐसे वर्ग थे जिसको समाज में अधिकार प्राप्त ही नहीं थे। ऐसे में अगर अपर कास्ट का कोई व्यक्ति संविधान लिखता तो वह विश्वास ही नहीं है मुझे कि वह इस बात का वहां पर वर्णन करता, अस्पृश्यता का अंत करता। हो सकता है कि वह उसे संविधान के DPSP में डाल देता लेकिन वह संविधान के मूल अधिकार में तो उसको नहीं रखता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और प्रारूप समिति के द्वारा आर्टिकल 17 को जब वहां पर व्यक्त किया गया और पूरी संविधान सभा ने इसे एकमत से स्वीकार किया, यह बात भी सिद्ध करती है कि हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने संविधान हमारा लिखा वो कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने इस बात को माना कि जी हां भारत में अस्पृश्यता तो होती रही होगी। अकबर फाहयान ने अपने किताब में वर्णित किया है कि उस समय अस्पृश्यता का आलम यह हुआ करता था। फाहयान मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय वह यात्री था जो भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक में यह लिखा है कि जब भी किसी नीची जाति के लोग ऊंची जाति के मार्ग से गुजरते थे तो उन्हें लाठी या लकड़ी से आवाज करना पड़ता था। आप सोच रहे हो उस समय की मानसिकता क्या रही होगी। आने वाले समय में यह जाति व्यवस्था और कड़ी और कट्टर होती चली गई थी। इवन B.R. अंबेडकर ने भी अपने प्रारंभिक समय में इस अस्पृश्यता को बहुत झेला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत में कुछ विचारकों की बात की जाए, उन विचारकों में अंबेडकर जी का नाम तो सर्वोपरि आने वाला है। मैं कुछ विचारकों को हमेशा माना हूं, जैसे कि सबसे अच्छे विचारक आदि शंकराचार्य, अरविंदो घोष, विवेकानंद और अंबेडकर जी, ये भारत के कुछ महान विचारक रहे हैं जिनके विचार को आपको पढ़ना चाहिए। तो हम बात कर संविधान की बात कर रहे थे तो वहां पर आर्टिकल 17 एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भारतीय संविधान लिखा जा रहा था उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व हमने स्वीकार किया था कि हम जो भी काम करेंगे वो सर्वसम्मति से करेंगे। आपको पता है कई ऐसी चीजें हैं जिस पर डिस्कशन ऐसा हुआ था कि लगा कि भाई ये भारत का संविधान लिख भी पाएंगे नहीं लिख पाएंगे। सबसे बड़ी बात की गई थी वहां पर जो कि है हिंदी भाषा को लेकर। जी हाँ, हिंदी भाषा को जब राष्ट्रीय भाषा बनाने का था, नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात कही गई तो कई सारे साउथ इंडियन जो हमारे राज्य हैं उन्होंने अपने आप कहा कि भाई भारत की किसी एक भाषा को आप राष्ट्रभाषा का दर्जा कह दे सकते हैं। बात सही भी थी। भारत एक ऐसा देश है जहां पर विविधता कूट कूट कर भरी है। ऐसे देश में आप किसी एक भाषा को प्रमुखता नहीं दे सकते। आप यूरोपीय सिद्धांत पर भारत के राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। भारत के राष्ट्र का निर्माण एक अलग प्रक्रिया है। कई सारी बोलियां हैं, कई सारी भाषाएं हैं। इन भाषाओं को, इन बोलियों को वही सम्मान मिलना चाहिए जो हिंदी को मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत में कभी भी एक भाषा का सिद्धांत तो होना ही नहीं चाहिए। हमारा होना चाहिए सिद्धांत कि हमें हर भाषा को समान रूप से आगे बढ़ाना है। तो भाषा को लेकर बहस बहुत तगड़ी हुई थी, मूल अधिकार को लेकर बहुत बहस तगड़ी हुई थी। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो संविधान सभा में बहुत डीपली डिस्कस की गई थी। एक और महत्वपूर्ण बात मुझे याद आती है, जब संविधान सभा बन चुकी थी 1946 में, 9 दिसंबर को उसकी पहली मीटिंग हुई और डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा उसके टेम्परेरी अध्यक्ष चुने गए और फिर उसके बाद 11 दिसंबर को दोबारा मीटिंग होती है और वहां पर
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए। उस दौरान क्या होता है कि महात्मा गांधी तो इसका भाग थे नहीं, उस समय बंगाल जो है वो दंगों की आग में झुलस रहा था। तो बाद में वो दिल्ली आए हुए थे, तो वहां पर उनसे मिलने जगजीवन राम पहुंचते। जगजीवन राम उनसे पूछते हैं कि बापू आप तो संविधान सभा में शामिल नहीं है, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप कुछ आशीर्वचन हमें प्रदान करें। तो महात्मा गांधी ने एक शब्द का प्रयोग किया था और वह शब्द मैं मानता हूं कि भारतीयों के लिए जानना बहुत जरूरी है, और वह शब्द ये है, उन्होंने कहा था कि जब भी संविधान लिखो तो अंत्योदय का ध्यान रखना। अंत्योदय बहुत शानदार शब्द है, ये बहुत गहराई है, ग्रेविटी है इस शब्द में। अंतिम का उदय, द राइज ऑफ लास्ट पर्सन। आप सोचते हैं समाज के अंतिम पायदान पे कौन व्यक्ति बैठा होगा, जिस व्यक्ति को इस समाज ने अधिकारों से वंचित किया होगा। तो आर्टिकल 17 उसी अंत्योदय की बात करता है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जी हां, आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति का उदय करवाना, अंत्योदय, अंतिम का उदय। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं बच्चों को बोलता भी हूं कि बी आर अंबेडकर जी ने कहा था आर्टिकल 32, कई हमारे और संविधान को समझने वाले लोगों ने भारतीय प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल को उसकी आत्मा माना, पर मेरी बात अगर मैं कहूं तो मैं आर्टिकल 17 को भारतीय संविधान की आत्मा मानता हूं, क्योंकि हमने यह दृढ़ निश्चय किया उस आर्टिकल को लेकर कि हां भारत में अस्पृश्यता होती थी और उसका अंत करना जरूरी है, और आज हम काफी हद तक इसमें सफल भी हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। 2000 साल तक जिन लोगों ने इस देश में अस्पृश्यता को सहा है, उनको उस पायदान से ऊपर लाना है और उन्हें मुख्य धारा का भाग बनाना है। यह एक व्यक्ति, एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है और सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अस्पृश्यता के अंत की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बनाए। तो भारतीय संविधान की कुछ और प्रमुख बातें आप लोग को मैं यहां बताता हूं। भारतीय संविधान दिवस, इसे कहते हैं संविधान दिवस मनाने की जो प्रक्रिया है, अगर उसकी बात करें तो 2015 में भारतीय सरकार ने घोषित किया था कि 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस मनाएंगे। बात यह है कि उस साल जो है बी आर अम्बेडकर जी 125वीं जयंती थी, जिसके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाना शुरू किया गया। हमने अपने संविधान को 26 नवंबर 1949 में लिखकर पूरा किया और उसके कुछ भागों को पूरे भारत में अप्लाई किया, लेकिन भारत का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। मैंने गणतंत्र के विषय में डिटेल डिस्कशन किया है, उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और यहां आई बटन पे भी आ रहा होगा, वहां से आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको गणतंत्र का मतलब समझ में आएगा। और 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को पूर्ण रूपेण स्वीकार किया और कहा कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र है। जी हां, उस समय समाजवाद और पंथ निरपेक्षता अर्थात सेक्युलरिज्म हमारे संविधान के प्रस्तावना का भाग नहीं था। ये भाग हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जब इन दो शब्दों को जोड़ा गया, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म। जी हाँ, तो ये सारी बातें मैंने आज आपके सामने की। संविधान के बारे में कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 17 का जो अर्थ है जिस पर मुझे बात करनी थी आपसे, वो आप तक पहुंच गया होगा मेरा संदेश। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय, गाते रहिए।